प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने के 15 तारीख से अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डों पर निःशुल्क चावल वितरण किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क चावल दिया जा रहा है, जिसको लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है और कोटे द्वारा ग्राहकों को सैनिटाइज करा के पॉश मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन दिया जा रहा है। राशन वितरण पर भाजपा के कार्यकर्ता भी नजर रखे हुए हैं। निःशुल्क राशन के संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांड्या ने बताया कि अब तक 40% निःशुल्क राशन का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी के विजय पांड्या ने बताया कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत सुकृत कोटेदार सदानंद जायसवाल और जिलाधिकारी के विजय पांड्या ने कहा, इसके पहले आते हैं वो 2 दिन आए थे, 3 दिन मुन्ना लाल वर्मा 20 किलो नहीं, वो सफेद कार्ड था, पैसा नहीं लिया गया नहीं। मैं गोरखनगर मंडल अध्यक्ष सत सुकृत, ये प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत गरीबों को राशन दिया जा रहा है। इस लॉकडाउन में लोग परेशान हैं खाने बिना, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबको राशन देने का वादा किया है, उसी के तहत ये राशन वितरित हो रहा है। क्या पार्टी द्वारा कोई इस तरह का निर्देश जारी किया? पार्टी द्वारा निर्देश ये जारी किया गया है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी के तहत आपके वार्ड में जितने भी कोटेदार हैं उनके वहाँ जाइए, देखिए इनकी घरतौली ना हो, कायदे से सबको राशन मिले, एक यूनिट पर 5 किलो राशन मिलना चाहिए। हम लोग वही कर रहे हैं इस समय। चावल मिला कि गेहूं? इस समय प्रेजेंट टाइम में चावल आया हुआ है, चावल सबको 5 किलो यूनिट के हिसाब से मिल रहा है। नहीं अभी तक तो इसी कुछ बात नहीं आई, पब्लिक अपना शांतिप्रिय ढंग से ले रही है, डिस्टेंसिंग बना करके अपना काम कर रही है। सदानंद जायसवाल 1030 650-700 किस योजना के अंतर्गत दे रहा है? प्रधानमंत्री गरीब निःशुल्क खाद्यान्न की योजना, तो निःशुल्क दे रहा है। निःशुल्क कितने तारीख से?
15 तारीख से। सभी कार्डधारकों को है? नहीं, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों लोगों को दिया जाए। राशन वितरण अभी तो निःशुल्क वितरण हम लोग 15 तारीख से प्रारंभ किए हैं। ये तो यूनिट के हिसाब से चावल हम लोग बांट रहे थे। अब तक का करीब तो 40% हमारा वितरण हो चुकी है और बाकी भी वितरण चल रहा है। और कहीं इस पे राशन की कोई शिकायत मिलता है तो हमें संपर्क करें, हम लोग हल करेंगे।